फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पन एंड सेविंग रियल इंटरेस्ट रेट सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट्स डियर स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल्स में हमने डिस्कस किया के हाउ करंट इनकम फ्यूचर इनकम आर चेंज इन वेल्थ विल अफेक्ट द डिसीजन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग टूडे वी विल डिस्कस हाउ द चेंज इन इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट कन्जम्पन एंड सेविंग इंटरेस्ट रेट इज़ एक्चुअली द प्राइस ऑफ करंट कन्जम्पन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कन्जम्पन इससे मुराद ये है कि आज हम जो एक रुपया खर्च करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कन्जम्पन हम वन प्लस आर टाइम्स रुपी से हम महरूम हो जाते हैं यानी आज अगर हम इंटरेस्ट रेट स्पोर्स अगर टेन परसेंट है आज हम सौ रुपये ख़र्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि टुमारो हम एक सौ दस रुपये ख़र्च नहीं कर सकेंगे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आज के सौ रुपये की कन्जम्पन की प्राइस क्या होगी इंटरेस्ट अगर टेन से ट्वेंटी परसेंट हो जाता है तो वो फिर फ्यूचर कन्जम्पन में एक सौ बीस रुपये हो जाएगी तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट आपकी करंट कन्जम्पन की प्राइस डिटर्मन करता है

सब्सट्रिशन इफ़ेक्ट क्या है एक्चुअली जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी सेविंग को ये पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा क्यों पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा इसलिए कि अब सेविंग का रिवार्ड बढ़ गया है ना आज आप सौ रुपये सेव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ करने के नतीजे में फ्यूचर में आपको अब पहले से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो सेविंग का रिवॉर्ड बढ़ गया है सो इंडिविजुअल जो हैं वो फिर ज़्यादा सेव करने की तरफ उनका रुझान होगा वो ज़्यादा सेव करेंगे और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंडिविजुअल क्या करेंगे वो अपने करंट कंजम्पशन को सब्सटीट्यूट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन राइट क्योंकि फ्यूचर कंजम्पशन जो है वो अब रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होगी है करंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि आर मैंने आपको बताया आर करंट कंजम्पशन की प्राइस है तो आर के बढ़ने से करंट कंजम्पशन एक्सपेंसिव हो जाती है और जो भी शेयर एक्सपेंसिव हो जाती है इंडिविजुअल उसको पहले से कम इस्तेमाल करते हैं तो करंट कंजम्पशन कम हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि उसकी करंट सेविंग बढ़ जाएगी सो सबस्टन इफेक्ट के नतीजे में क्या होगा इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से सेविंग आपकी जो है वो बढ़ जाएगी दूसरा जो इफेक्ट है वो है इनकम इफेक्ट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कंज्यूमर जो है वो पहले से रिचर या पोअर फील करेगा ये किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि अगर इंडिविजुअल नेट सेवर है तो वो पहले से ज़्यादा रिच फ़ील करेगा क्योंकि अब उसकी सेविंग पर रिवार्ड उससे पहले से ज़्यादा मिलेगा और अगर वो नेट बार है उसने कर्ज लिया हुआ है तो अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से उसे पहले से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगी तो वो रिलेटिवली अपने आप को पोअर फील करेगा ओके okay. सो so, सेवर की सूरत में अगर वो नेट सेवर है इस सूरत में क्या होगा इनकम इफेक्ट जो होगा वो सेविंग पर नेगेटिव होगा कैसे नेगेटिव होगा कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वो पहले से अपने आप को बेहतर रिचर फील कर रहा है जब भी वो अपने आप को बेहतर फील करेगा तो वो अपनी करंट कंजम्पशन को बढ़ा देगा करंट कंजम्पशन को बढ़ाने का मतलब यह है कि करंट सेविंग उसकी कम हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इनकम इफ़ेक्ट की वजह से उसकी जो करंट सेविंग है वो कम हो जाएगी अगर आप रिकॉल करें अभी मैंने बताया था सब्सक्रशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से उसकी करंट सेविंग जो है वो बढ़ जाती है और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से कम हो जाती है तो इस कॉन्टेक्स इस में मैंने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और अगर वो नेट बार है तो फिर क्या होगा नेट बारवर की सूरत में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया उससे पहले से ज़्यादा अब पेमेंट्स करनी है वो पोअर फील कर रहा है ठीक है उसे अब ज़्यादा सेव करना पड़ेगा अपनी करंट कंजम्पशन कम कर देगा और सेविंग बढ़ा देगा तो यहाँ अगर आप इसको सब्सट्रशन इफेक्ट के साथ लिंक करें सब्सट्रशन दोनों सूरतों में वो नेट सेवर है या नेट बार और दोनों सूरतों में वो सब्सट्रशन इफेक्ट जो है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से आपकी सेविंग बढ़ जाती थी लेकिन यहाँ पर बारोर की सूरत में अब इनकम इफेक्ट की वजह से भी उसकी सेविंग बढ़ रही है तो ये दोनों एक ही सबस्ट्रेशन और इनकम इफेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जबकि सेवर की सूरत में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका ने, नेट इफ़ेक्ट क्या होगा सेवर की सूरत में तो ऑबियसली थ्योरी हमें कुछ नहीं बताती कि वट विल बी द नेट इफ़ेक्ट ठीक है नेट इफेक्ट डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रांगर है अगर सब्सट्रशन इफेक्ट स्ट्रांगर है तो उसके नतीजे में आपकी सेविंग जो है वो बढ़ जाएगी और अगर इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर है तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी लेकिन बारोर की सूरत में थ्योरी क्लियर है कि सब्सक्रशन इफेक्ट की वजह से भी सेविंग बढ़ रही है और इनकम इफेक्ट की वजह से भी आपकी सेविंग बढ़ रही है तो ओवरऑल जो नेट इफ़ेक्ट होगा वो बारोर की सूरत में सेविंग में इजाफा हो जाएगा इनकम एंड सब्सट्रशन इफेक्ट आपोद डायरेक्शन में होने की वजह से सेवर की सूरत में जो नेट सेविंग शख्स कर रहा है उसके लिए ये एम्बिगुअस होगा नेट इफ़ेक्ट और बारवर की सूरत में वो क्लियर होगा कि एक ही दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे व्हाट विल हैपन टू द नेशनल सेविंग नेशनल सेविंग में चूंकि दोनों तरह के लोग बारवर्स भी शामिल होंगे और सेवर्स भी शामिल होंगे तो इसलिए थ्योरी यहाँ भी अब हमें नहीं बता सकती कि व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट तो इसको देखने के लिए फिर हमें एम्पीरिक्स की तरफ जाना पड़ेगा एम्पीरिकली देखना पड़ेगा कि डाटा क्या शो करता है तो डाटा जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत हमें क्लियर पिक्चर नहीं देता मिक्स किस्म के रिजल्ट देता है लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा होगा तो एग्रीगेट्स सेविंग जो है यह बढ़ेगी लेकिन बहुत कोई स्ट्रोंग तरह स्ट्रांग इफेक्ट नहीं होगा स्लाइटली ये इंक्रीज करेगी थैंक यू वेरी मच